मम्मी पापा कब आएंगे? हाँ सोनम, तुम्हारे पापा आ ही रहे होंगे, फिर हम साथ में होली मनाने जाएंगे। नहीं नहीं मम्मी, मेरी सारी सहेलियाँ चली गई होली मनाने के लिए, मैं भी जा रही हूँ। अरे सोनम रुक जाओ, कहाँ पर जा रही हो तुम? कहाँ पे जा रही हो अकेले अकेले? अभी तुम्हारे पापा आने ही वाले होंगे, फिर हम साथ में चलेंगे राधा आंटी के घर पे। तभी वहाँ सोनम के पापा भी आ जाते हैं। अरे लगता है सोनम की मम्मी बहुत ही बिजी है, चलो पीछे से रंग लगाता हूँ सोनम के मम्मी क्या को। वो सोनम की मम्मी इतनी टेंशन में क्यों हो? अरे सोनम के पापा हैप्पी होली। अरे भाई बुरा ना मानो, होली है। अरे सोनम के पापा आपने ये क्या कर दिया? और हाँ आप इतने जल्दी क्यों आ गए? एक काम करते ना, अपने दोस्तों के यहाँ ही रह जाते आज। देखो आपकी वजह से सोनम चली गई नाराज होके, मैं भी जा रही हूँ। अरे सोनम की मम्मी क्या हुआ, रुको मैं भी आ रहा हूँ। चलो मेरी सारी तैयारियाँ हो गई है, कितना सुंदर दिख रहा है सब। लेकिन ये चंदा दीदी और नेहा दीदी कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए? हाँ आ ही रहे होंगे, आज तो मेरे श्याम के पापा भी आने वाले हैं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, होली के दिन मेरा दिवाली हो गया। चलो जाती हूँ मैं, श्याम को रंग लगा देती हूँ, मेरा बेटा वैसे ही सोया हुआ है। ये बोलकर राधा श्याम को रंग लगाने लगती है। चलो मेरे श्याम बेटा आओ, अब मैं तुम्हें रंग लगा देती हूँ, होली है होली है। मेरा प्यारा बच्चा कितना अच्छा दिख रहा है। मेरा प्यारा श्याम। और यहाँ पर सारे बच्चे होली खेलते खेलते राधा के घर आ रहे हैं। अरे अरे चिंकी देखो, हम राधा आंटी के घर पे पहुंच गए हैं, चलो चलो चलते हैं। हाँ हाँ दोस्तों चलो चलते हैं राधा आंटी के घर पे। तुम देखना चिंकी, शाम को सबसे पहले कलर मैं ही लगाऊंगी, मैं तो जा रही हूँ। अरे वाह, राधा आंटी ने कितने अच्छे अच्छे मिठाई बनाई है, अभी हम सब लोग खाएंगे मिलके। देखो चिंकी, मैंने बोला था ना शाम को सबसे पहले कलर मैं ही लगाऊंगी। अरे नहीं सोनम, शाम को कलर मैं लगाऊंगी, मैं जा रही हूँ। अरे चिंकी कहाँ पे जा रही हो, लुको। ये बोलकर चिंकी और सोनम कलर लगाने के लिए जाने लगते हैं। अरे चिंकी मेरे सामने से हटो, मुझे कलर लेना है। अरे देखो बच्चे भी आ गए, कैसे झगड़ रहे हैं, क्या कर रहे हो बच्चों तुम? धीरे धीरे करो वरना गिर जाओगे तुम लोग। चलो यहाँ आ जाओ। देखो देखो चिंकी, मैं जा रही हूँ लगाने के लिए। नहीं मैं ही लगाऊंगी। अरे अरे बच्चों क्या कर रहे हो, ध्यान से। देखा चिंकी, मैंने बोला था ना सबसे पहले श्याम को कलर मैं ही लगाऊंगी। हैप्पी होली श्याम, बुरा ना मानो होली है। चलो कोई बात नहीं सोनम, मैं भी लगा देती हूँ श्याम को कलर, हैप्पी होली श्याम। लाधा आंटी, श्याम के पापा अभी तक नहीं आए क्या? कब आएंगे वो? मैंने तो उन्हें अभी एक बार भी नहीं देखा, मुझे देखना है उन्हें। हाँ सोनम बेटा, तुमने उन्हें नहीं देखा लेकिन उन्होंने तुम्हें देखा है, तुम बहुत ही छोटी बच्ची थी तब। और हाँ तुम चिंता मत करो, वो अभी आ जाएंगी थोड़ी देर बाद। वैसे चंदा दीदी और नेहा दीदी नहीं आई? मेरी मम्मी और सोनम की मम्मी आ ही रही थी, हमारे पीछे पीछे तो आ रही थी। आप फिक्र मत कीजिए लाधा आंटी, वो बस आ ही रही है। हाँ लाधा आंटी आप टेंशन मत लीजिए, वो बस आ ही रहे होंगे, थोड़ी देर बस आप इंतजार कीजिए। चलो चलो चिंकी हम होली खेलते हैं, तब तक चलो हम गैया को भी रंग लगाते हैं, बेचारी वैसे ही खड़ी हुई है। मैंने तो कल ही उन्हें न्योता दे दिया था और समय भी बता दिया था, लेकिन कितना लेट कर रही हैं ये सब। ये बोलकर राधा होली की तैयारियों में फिर से लग जाती है। अरे चिंकी चलो ना हम गैया को रंग लगाते हैं, तुम बैठी क्यों हो ऐसे? हाँ हाँ सोनम चलो चलते हैं हम। चलो चलो हम श्याम को भी लेके चलेंगे। ये बोलकर सोनम और चिंकी गैया को रंग लगाने के लिए जाने लगती हैं। मेरी प्यारी गैया, होली है आज, बुला ना मानो होली है, हैप्पी होली गैया। अरे चिंकी देखो, गैया भी हमें हैप्पी होली बोल रही है। तुम्हें भी हैप्पी होली गैया। चलो चलो चिंकी हम खेलते हैं वहाँ पर जाकर। यहाँ मोनी गोरी और लाला सभी पानी में खेल रहे होते हैं। ये मजा आ रहा है, हैप्पी होली। अच्छा अच्छा श्याम तुम यहीं पर लेते रहो, देखो ना वो सब लोग हमारे बिना पानी में खेल रहे हैं, जाती हूँ मैं जल्दी से। चलो चलो चिंकी हम भी खेलते हैं, मजा आएगा। अरे अरे तुम लोग तो अकेले ही खेल रहे हो। अरे नहीं चिंकी और सोनम तुम भी आ जाओ, बहुत ही मजा आ रहा है।
हाँ हाँ गौरी मैं आ रही हूँ। ये अले वाह कितना मजा आ रहा है बहुत। आज होली है चलो सोनम तुम भी आ जाओ जल्दी से। हाँ हाँ दोस्तों मैं भी आ रही हूँ। यहाँ सभी पानी में खेलने लगते हैं और यहाँ चंदा और नेहा राधा के घर आ रही हैं। बहुत ही देर हो गई, देखो ना चंदा कितना ज़्यादा देर हो गया। उसने तो हमें कल ही न्योता दे दिया था, फिर भी हम इतना देर कर रहे हैं। हाँ हाँ नेहा चलो चलते हैं, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। चलो आखिर हम पहुंच गए। राधा अरे ओ राधा कहाँ पर हो तुम, देखो हम आ गए। हाँ कहाँ हो राधा। अरे वाह चलो अच्छा है आप सब आ गए, लेकिन आपने तो बहुत ही ज्यादा देर कर दी। अरे राधा बुरा ना मानो होली है। अरे दीदी आप तो आते ही मुझे कलर लगाने लगी। हैप्पी होली राधा। हाँ दीदी आपको भी हैप्पी होली। वैसे राधा सोनम कहाँ पर है। अरे अरे बातें छोड़ो मुझे भी रंग लगाने दो। हैप्पी होली राधा। अरे हाँ नेहा दीदी आपको भी हैप्पी होली। वैसे राधा तारा नहीं आई क्या अभी, वो भी आने वाली थी। पता नहीं दीदी वो तो शायद अपने नैहर जाने वाली थी होली बनाने के लिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा राधा सोनम आ गई क्या अपने दोस्तों के साथ। अरे हाँ दीदी वो देखो कैसे खेल रहे हैं पानी में, कितने प्यारे दिख रहे हैं। अरे हाँ राधा तुम सही बोल रही हो। अरे चिंकी चलो जल्दी वरना मिठाई खत्म हो जाएगा। अरे हाँ सोनम चलो चलो चलते हैं। अरे भाई आज होली है गाना तो बजा दो कोई, चलो अब हम डांस करते हैं। यहाँ सभी मिलकर डांस करने लगते हैं। होली है भाई होली है, बुरा न मानो होली है, आज मिलकर झूमेंगे नाचेंगे और गाएंगे, होली है। और तभी सोनम के पापा भागते भागते राधा के यहाँ आ जाते हैं। अरे अरे राधा कहाँ पर हो तुम, राधा कहाँ पर हो तुम, ये देखो कैसा डांस कर रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो, कृष्णा आ गया है, उसके स्वागत की तैयारी नहीं करोगे क्या तुम लोग, जल्दी से तैयारी में लग जाओ। ये बोलकर सोनम के पापा वहाँ से चले जाते हैं। ओहो राधा सुना तुमने कृष्णा जी आ गए हैं, चलो चलो हम तैयारी करते हैं जल्दी से। हाँ दीदी आखिर बहुत साल बाद वो आ ही गए। हाँ हाँ चलो हम चलते हैं जल्दी से। अच्छा हाँ राधा चलो चलो जल्दी चलो। और यहाँ राधा के पति कृष्णा फौज से वापस गांव लौट आते हैं। चलो मैं अपने गांव वापस आ ही गया, कितनी अच्छी खुशबू है यहाँ की, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है श्याम और राधा से मिलने के लिए, चलो जाता हूँ जल्दी से। अरे अरे कृष्णा आखिरकार तुम आ ही गए, कितने साल लगा दिया तुमने, कहीं तुम अपने ये दोस्त को भूल तो नहीं गए। अच्छा वो सब छोड़ो, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें, देखना कृष्णा राधा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। अरे हाँ किशोर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, कैसे हो मेरे यार, अच्छे तो हो ना तुम तो बहुत ही ज्यादा फिट हो गए हो। आखिर तंदुरुस्ती का राज क्या है। अरे क्या यार कृष्णा मजाक उड़ा रहा है मेरा, मैं तो खेती करने वाला आदमी हूँ। अच्छा हाँ हाँ यार मैं तो बस मजाक कर रहा था, इतने दिनों बाद मिले हैं लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। अच्छा चलो अब अंदर चलते हैं हम। अली मम्मी श्याम के पापा आ गए हैं क्या। हाँ हाँ सोनम श्याम के पापा आ चुके हैं, चलो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। चलो चलो राधा तुम्हारे पति आ गए हैं। हाँ दीदी मैं तो बहुत ही खुश हूँ, आप आ गए श्याम के पापा, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अरे अरे राधा ये क्या कर रही हो तुम, रहने दो। वैसे श्याम के पापा आप कैसे हैं, आप तो बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हो गए हैं। अरे नहीं राधा मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। अच्छा अच्छा ठीक है सोनम के पापा, चलिए अंदर आइए ना, आप यहीं पर क्यों खड़े हैं। हाँ हाँ राधा चलो, वैसे श्याम कहाँ पे है, नहीं दिख रहा है मेरा बेटा। तुम देख रही हो ना सोनम की मम्मी, ये तीनों परिवार कितने खुश दिख रहे हैं, चलो अच्छा है इतने साल बाद वो लोग एक हो गए। हाँ तो क्यों नहीं खुश होंगे सोनम के पापा, आखिर इतने साल बाद मिले हैं वो लोग। वैसे सोनम के पापा आप कृष्णा जी के सामने तो एकदम लड्डू दिख रहे थे। अरे क्या सोनम की मम्मी मैं दिन भर खेती करता रहता हूँ, मेरे को कहाँ टाइम है बॉडी बॉडी बनाने का, तुम भी ना सोनम की मम्मी कुछ भी बोलती रहती हो, चलो जल्दी। अरे मेरे दुलारे श्याम बेटा कैसे हो तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो। मेरा प्यारा बेटा कैसे हो तुम श्याम, मुझे बहुत ही याद करते थे ना तुम, और मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा याद करता था मेरा प्यारा बेटा। अरे भाई आज होली है और सब इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं, चलो नाच गाना करते हैं थोड़ा मजा आएगा, चलो 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 सब लोग।
ओ रंग बरसे बिलिए चुनर वाली रंग बरसे बिलिए चुनर वाली रंग बरसे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।